All right, guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. Last week it was TP. वाह क्या शेर सुनाया. एंड दिस वीक गोदी नंबर 5 होता था ना, जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो पिक्चर में कोई चल के आ जाता तो आप बोलते भाई साहब प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ. जी को चोट भी आ गई जिस तरीके का मीडिया गोदी मीडिया की विंडो पे हुआ. चोट भी आ गई जिस तरीके का मीडिया अंदर घर में घुस के. ऑल दीज गोदी मीडिया न्यूज चैनल शुड चेंज देयर नेम एंड शुड कीप इट रियाया न्यूज चैनल. ट्रस्ट मी, इट्स मोर वर्दी. ऑल द टाइम दे विल गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. चार किरदार हैं इस पूरी कहानी में जो उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत का कमरा खोला गया. एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं करेंगे जिससे जनता परेशान है. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो बड़े साहब नाराज हो जाएंगे. कोविड केसेस 70,000 से ज्यादा आ रहे हैं. जी और नीट की एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब इकोनॉमी चौपट होने लगी है. लेकिन नहीं, बात करेंगे रियाया चक्रवर्ती पे. सॉरी बाबू, किस चीज की सॉरी कह रही थी? जमाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना. You know guys, this is not funny. This is actually serious, and you will understand the hypocrisy and the filthiness of Godi Media. You know this week what happened? The GDP of India, it was in minus, not in like -1-2. It was -23.9%. -23.9%. It was a big news. GDP वो होती है जो हमें आईना दिखाती है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, कितनी तरक्की कर रहे हैं, क्या हो रहा है. माइनस में आई है, बहुत बड़ी खबर है. गोदी मीडिया की कमीना पंथी देखो आप, यहां पे उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की. जब ये ट्रेंड हो रहा था ना, तब अर्नब ने ट्रेंड चलाया हैशटैग सोनिया स्कैम. एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन सोनिया गांधी इज टेकिंग मनी फ्रॉम जाकिर नायक? यस प्लीज, यू नो यू आर इन द कांग्रेस देन, सो यस. मैं तो कहता हूं दोनों पार्टीज खराब है, पर ये क्या तरीका हुआ कि तुमने सीधे जाके अपोजिशन की कोई बात निकाल के उसको ट्रेंडिंग कर दिया ताकि ये बात छुप जाए. मतलब कितना चूतिया समझता है गोदी मीडिया जनता को, और जनता भी चूतिया बने जा रही है, नहीं सोच रहे अपने बारे में कुछ. सुमन सीरम, हाउ डू एक्सप्लेन? राहुल, बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड माय डीप डिस्गस्ट विद द फैक्ट दैट ऑन अ डे व्हेन आवर जीडीपी हैज कंट्रैक्टेड 23.9% ऑन अ डे व्हेन चाइना हैज. डॉक्टर सुमन सीरम, यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट इफ यू फाइंड इट सो डिस्गस्टिंग. यू नो, लुक, हैंग ऑन, यू डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट इफ यू फाइंड इट सो डिस्गस्टिंग. किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी जॉब्स के बारे में सोचो, अपने काम धंधों के बारे में सोचो. कैसे जा रहे हैं और लोग फिर भी टीआरपी बढ़ा रहे हैं इन गोदी मीडिया चैनल्स की. गो रीड द मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स एंड आई रेकमेंड द टाइम्स ऑफ इंडिया. गो रीड इट. डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट द नेशंस टाइम, डोंट वेस्ट द व्यूअर्स टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम. इफ यू फाइंड इट सच अ बिग इम्पोजिशन ऑन योर टाइम, गो. I am placing go. It on record, Rahul. Don't have to place anything on record except for your answer to the question. You know, guys, if you want to watch the news channels like this, watch it for the entertainment. These news channels are actually working against the country, against the citizens of India. चूल्हे में हगना बंद करो. हम तो खैर मजाक मजूक करने आते हैं. 2000 के नोट, एक खबर आई कि RBI ने प्रिंट करना बंद कर दिए, तो लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि तिहाड़ी ने कितने प्यार से उसमें नैनो चिप लगाए. अर्नब को देखा होगा कि अंग्रेजी में चिल्लाता है, उसने सोचा यही फॉर्मेट में हिंदी में बना देता हूँ, मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा क्योंकि हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा है. लेकिन हर बार भाई का फुद्दू खिंच जाता है. जनता, मैं आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, मैं आपके पिटकों से पत्रकारिता का भाषण चाहिए. मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए. मतलब बहुत बुरा कटा है इस बार, पिट्ठू हो गया बीएनडी से. अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार, आज के बाद मत बोलिएगा. पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू. एक मिनट, हमें इस पर सख्त आपत्ति है. वो बीएनडी है, बीएनडी पिट्ठू नहीं है मैडम. अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जरूरत मत करना राज निनायक, चुप रहो. Yeah, so guys, he is a pittu now. One more thing I want to tell you. In this time's Mann Ki Baat, Mr. Modi said this. I have been told that Indian breed dogs are very good and competent. मतलब मोदी जी ने वैसे ही मन की बात करते हैं, दोनों ने ऐसे ही बोल दिया कि
अरे भैया जो हिंदुस्तानी कुत्ते होते हैं बहुत सही होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, तो लोग पता नहीं क्यों गोदी मीडिया को याद कर रहे हैं। You know guys, this is something that people should think of, and more than people, government should think of. Man Ki Baat. On last week's Man Ki Baat, there was a YouTube upload and there was so many dislikes by the people. ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। देखो जी, ये बहुत चिंता का विषय है, ये कनेक्ट है प्रधानमंत्री और जनता के बीच का, ये एक संवाद है उन दोनों के बीच का, उस पर डिसलाइक्स आना चिंता का विषय, इस पर मंथन होना चाहिए। लेकिन ये पबजी वाला है, लोगों ने उसको कुछ और ही रंग दे दिया। गोदी मीडिया पे बाद में बात करूंगा। SSC रेलवे स्टूडेंट्स, दे आर सफरिंग अ लॉट एंड गवर्नमेंट शुड लिसन टू देम, वी आर ऑल्सो विद देम, बट स्टूडेंट्स देश का भविष्य है, अगर वो तकलीफ में तो सरकार को सबसे पहले जाके उनकी बात सुननी चाहिए और मोदी मीडिया को, स्पेशली मीडिया को डिबेट्स करनी चाहिए थी, ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, पर अभी कोई मीडिया हाउस काम नहीं कर रहा। आप भी जानते हो क्या चल रहा है अभी हमारे गोदी मीडिया में। ये देखिए रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है, जींस टी शर्ट। तो गोदी मीडिया ने उस बात को तो छोड़ ही दिया कि ये मुद्दा हो सकता है। बात कहाँ आई है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। उन्होंने इन डिसलाइक्स के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया। हद है यार, क्या कर रहे हैं ये लोग। दलाल, दिस थिंग शुड बी अ ब्रेकिंग न्यूज बट इट्स नॉट। यू नो व्हाट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज, यू वोंट बिलीव इट। अपने घर से बाहर निकली रिया चक्रवर्ती। सी एंड गाइस, दिस गोदी इज प्रीटी डेंजरस। आई मीन वेयर वी आर हेडिंग एज अ सोसाइटी, आई मीन व्हाट ही इज सेइंग हियर। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। पहली बात तो ये जो पोज है ना चौहान साहब, थोड़ा सा फैट लूज करोगे तो शाहरुख लग पाओगे, हो ना पाएगा, सॉरी रहेगा। पर एक बात बताओ, ये किस तरह की मानसिकता है यार, आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए। यू नो गाइस, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू फॉर द सक्सेस ऑफ आवर कंट्री, वी हैव टू बी टुगेदर, दिस इज नॉट द वे। जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। ये बहुत ही बचकानी बात है, इलिटरेसी से भरपूर है ये। अरे आप चयन प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर रहे हो, पूरी जो पूरा डिपार्टमेंट है सिलेक्शन का उस पे सवाल खड़े कर रहे हो। IPS अधिकारी निहारिका भट्ट ने इसे घृणा फैलाने वाली कोशिश करार दी। कहां की बात कहां ले जा रहे। छत्तीसगढ़ काडर के 2009 बैच के IAS अवनीश शरण ने लिखा कि ये TRP की मंडी में नई एंट्री है। मतलब सेंसलेस बात है, कोई सेंस ही नहीं है इसका। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए। मेजर क्रिटिसिज्म इज गोइंग ऑन दिस वीडियो, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एट ऑल बिकॉज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हरियाणा काडर के 2010 बैच के IAS प्रभोजो सिंह ने कहा कि पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती है और क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन और UPSC अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। बट सी हाउ ही शॉट द एंटायर वीडियो, मतलब गार्डन में घास खाते हुए, नहीं सॉरी, बट कहां से एंगल, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, बस हो गया। एंड दिल्ली हाई कोर्ट टुक अ स्टैंड ऑन इट। जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने सुनवाई करते हुए 28 अगस्त को इस पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। ओके, नाउ दिस इज गोदी नंबर वन एंड दिस इज अ फूड फॉर थॉट। यू नो बिफोर गोदी वी यूज टू रिस्पेक्ट जर्नलिज्म, मतलब रिपोर्टर्स की इज्जत होती थी, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब अब कुत्ते से भी बुरी हालत हो गई है। मतलब पहले ये काला जादू पता करने जाते हैं, किस किस से बात कर रहे हैं। सुनने में आ रहा कि एक जादू टोना था, कलकत्ता की थी वो, जादू टोना करने वाली थी एंड इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद एक चाबी वाला भी इनको हकाल देता है। ये देखो, ये ना सुशांत की चाबी बनाने वाले के पास गया, तो उसने बोला मैं नहीं जानता, तू निकल यहाँ से। मैं नहीं गया था उधर पे। देखना, सुनो, तो आपका नाम बता रहे हैं कि आप कौन सा पुलिस वाला बुला रहा। और अब तो मतलब घर पे जाते मतलब जूते खा रहे हैं यार। यही आज की गोदी नंबर वन, चेक आउट पूरा, तो सीन चेक करो। बॉक्सिंग का बैंड शॉट।
Again, I will tell you, media is the fourth pillar of the democracy. And check out the pillar here. Itna chota pehle kabhi nahi hua hoga. Jitna aaj hua hai. ये सीन देखो, ये हमारे रिपोर्टर्स हैं, कैसे भाग रहे हैं कार्स के पीछे, ये मतलब बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। वो रात में वो भागते हैं ना, वैसे भाग रहे हैं, चेक तो करो क्या हो रहा है। 80-90 पूरे 100-100 में लगा था, बबलू निकल कर भाग रहा, बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। The situation, guys, they are leaving all the important news in the world, which is actually important, and they are chasing cars like this, like dogs. I mean, come on. तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। और अगर जर्नलिज्म की ये हालत देख के भी आपका मन नहीं भरा हो तो इसको देख लो, क्या मांग रहा है ये प्राइम टाइम पे बैठ के। तो ये चल रहा है जी जर्नलिज्म के नाम पे, गाना लगा दे यार। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा। नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। How the fuck are you? तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे, पर यहाँ थोड़ा करेक्शन, अब ये मनोहर कहानियां से खाना खजाना बन गया। ओके, नाउ गोदी नंबर टू। ऑन गोदी नंबर टू देर आर टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स, या देर आर, देट इज अ टाई हियर। मैं नहीं बोला, मैं दो भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा तीन है। पहले तो हमारी ये रूह पिका जी का टिपी टिपी टिपी, सुनो तो सही। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और उसके बाद हमारे संबित सर का गाना गाना, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। आग लगाई ना, आग लगे संगीत पात्रा जी ने, ये दो मिनट से ज्यादा इन्होंने गाया है नॉन स्टॉप, और पीछे से तबला वबला भी बज रहा था मस्त, पूरे दो मिनट बीएनडी ने ऐसे एंजॉय किया है। लेकिन जब दूसरा स्पोक्स पर्सन जैसे ही बोलना शुरू हुआ है, कैसे फटाक से काटा है, चेक करना, ध्यान से सुनना। रहस्य उद्घाटन हुआ है कि संबित पात्रा जी को भाजपा के प्रवक्ता के साथ साथ यमराज का भी दायित्व। चलिए बात, मतलब छी 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 छी, प्रवक्ता के साथ साथ यमराज का भी दायित्व। चलिए बात, ये जो है नंबर टू पे आई है, मतलब बेचारे को टॉर्चर कर दिया है, डिलीवरी बॉय था ये, पत्रकार है या क्या बन गए ये लोग, देखो। आप रिया चक्रवर्ती के यहाँ से आए भाई? अरे कौन है? मतलब इनको देख के तो रोड साइड पे भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए इज्जत बढ़ गई है, वो भी इतने बुरी तरह से पीछे नहीं लगते जैसे ये लगे हुए। हेलो भाई बताना, आपका नाम बता दीजिए मुझे, आपका नाम बताओ भाई, नाव का दूधा, नाव का है, नाव का कुछ खाने का जो पैकेट है वो लेकर, आप क्या खाने के पैकेट लेने आया? पैकेट रिया चक्रवर्ती को देने जा रहे थे। एंड आल्सो दिस शिटी वीडियो ऑफ इंडिया टीवी, आई मीन व्हाट इज दिस गाइस। दे आर वेरीफाइंग दिस, साफ पता चल रहा है कि ये रिया की आवाज नहीं है। और रही बात वीडियो की, तो ये वही वीडियो है जो रिया के वकील ने सुशांत की मौत के बाद शेयर किया था। मैं कह रही हूँ रियली कुछ भी ऐसा क्यों बोलेगी, ये एक बकचोद बच्चा जो टिकटॉक पे आता था, लोगों को मोटिवेट करता है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे क्या लगा रखा है क्या, ये तो जो इस डिलीवरी बॉय के साथ लोगों ने किया है, डुगोरी नंबर टू है, बिल्कुल भद्दा व्यवहार है, कैसे भिकमंगे हो गए। अरे इस वक्त हम रिया। ओके गाइस, नाउ दिस गोदी, व्हाट इज न्यूज, न्यूज इज ऑल अबाउट।